जब हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी तो हमने देखा था कि किसी भी पादप जीवन के लिए जल का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। जल पादप के विभिन्न प्रकार की जो बायोफिजिकल एंड बायोकेमिकल रिएक्शन चलती है उनमें जल का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। पादप जल मृदा से अवशोषित करता है और अवशोषण के बाद अपने पूरे प्लांट बॉडी में क्या करता है, उसको सर्कुलेट करता है। हमने पढ़ा था कि जब पादप जल का अवशोषण करता है तो दो तरीके, एक होता है एक उसका अवशोषण जिसको हम कहते हैं रेडियल मूवमेंट ऑफ वाटर, दूसरा हमने देखा था अपवर्ड मूवमेंट। रेडियल मूवमेंट में क्या करता है, जल रूट क्या करती है, जल को अवशोषित करती है और कहाँ तक लाती है, रूट के जाइलम ये स्टील तक लाती है। अपवर्ड मूवमेंट में क्या होता है कि पादप जो रूट जल को अवशोषित करती है, अब्जॉर्ब करती है, उसको पूरे प्लांट के एपिकल पार्ट्स या जिस सूट्स में सर्कुलेट करना होता है। फिर हमने पढ़ा था कि जो असेंट ऑफ शेप, इसको हम क्या कहते हैं, असेंट ऑफ शेप बोला था हमने, रसारोहण। फिर हमने देखा था जो रसारोहण का पाथ क्या होता है, तो वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रयोग किए और ये सिद्ध किए थे, दो प्रयोग किए थे। पहला हमने देखा था रिंगिंग प्रयोग या गर्डलिंग, वलाइन प्रयोग, और दूसरा हमने डाई का यूज किया था, यूसिन। इन दोनों प्रयोगों से वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया था कि जो असेंट ऑफ सेव का पाथ होता है वो क्या होता है, जाइलम्स होते हैं। जाइलम्स में जो ट्रेकिट्स और वाहिका होती है वो क्या करती है, असेंट ऑफ का पाथ होती है। फिर हमने असेंट ऑफ सेव की मैकेनिज्म समझने के लिए विभिन्न प्रकार के थ्योरीज दी गई, अलग अलग समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग थ्योरी दी गई कि भी इस प्रकार जल का रसारोहण या रसारोहण होता है। तो उन थ्योरी को, उन सिद्धांतों को हमने मुख्यतः दो भागों में बांटा था। सबसे पहले हमने देखा था वाइटल थ्योरीज, जेविंग सिद्धांत, और दूसरा हमने देखा था फिजिकल फोर्स थ्योरीज, भौतिक बल सिद्धांत। जब हमने वाइटल थ्योरी, जैविक सिद्धांतों के बारे में बात की थी तो इसका जो समर्थन करने वाले वैज्ञानिक थे उनका कहना था कि जो रसारोहण होता है उसमें जीवित सेल्स या कोशिका रचना होती है या लिविंग सेल्स होती है, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी होती है, लिविंग सेल्स और सेल स्ट्रक्चर, सेल शेप की क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसकी मुख्य थ्योरी हमने देखी थी, सबसे पहले वेस्टमेयर थ्योरी, फिर हमने रिली पंप देखी थी, उसके बाद हमने पढ़ा था जेंसे का एक्सपेरिमेंट, और फोर्थ हमने पढ़ा था पल्सेशन थ्योरी। तो इन सभी सिद्धांतों, इन सभी वैज्ञानिकों का कहना था कि जो असेंट ऑफ शेप होता है, जो रसारोहण होता है पादप में, जल अवशोषण होने के बाद विभिन्न उसके एपिकल पार्ट उनके सूट में सर्कुलेट होता है, वो किसके द्वारा होता है, उनमें किसकी भूमिका होती है, जीवित कोशिकाओं की भूमिका होती है, कोशिका रस की भूमिका होती है,
कोशिका संरचनाओं की भूमिका होती है, लेकिन इन सबको एक वैज्ञानिक था स्ट्रॉसबर्ग, अलग अलग वैज्ञानिकों ने ऑब्जेक्शन किया, लेकिन मुख्य एक प्रयोग था स्ट्रॉसबर्ग का। उसने बताया था कि जो वाइटल फोर्स होते हैं, जो जैविक सिद्धांतों पर एक मेन ऑब्जेक्शन आया था, वैसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन आए, लेकिन हम एक मेन ऑब्जेक्शन बात करेंगे, ब्राउची एंड स्ट्रॉसबर्गर, इन्होंने एक प्रयोग किया था। इन्होंने क्या किया था कि एक प्लांट लिया और प्लांट को क्या कर लिया, नीचे से ये प्लांट, इन्होंने क्या किया, यहाँ से तो हल्का सा काट के यहाँ पे क्या डाला, पिक्रिक एसिड इसके अंदर डाल दिया। तो पिक्रिक एसिड क्या होता है, ये सेल को मृत कर देता है। अब इन्होंने यहाँ से पिक्रिक एसिड डाल दिया, तो ये क्या किया, पिक्रिक एसिड धीरे धीरे क्या ऊपर तक चला गया। फिर इन्होंने क्या किया, एक फ्यूशन स्टेन आता उसको डाला, तो वो भी क्या किया, धीरे धीरे इसके साथ ऊपर चले। अब पहले इन्होंने पिक्रिक एसिड डाला, पिक्रिक एसिड से सारे सेल्स क्या हो गए, डेड हो गई, तो भी क्या हो रहा, इसमें एसेंट ऑफ शेप हो रहा था। फिर इन्होंने इसके बाद इसमें फ्यूशन डाला, फ्यूशन के बाद भी इन्होंने देखा कि इसमें असेंट ऑफ शेप हो रहा, तो इन्होंने ये सिद्ध कर दिया था कि जीवित कोशिकाओं का कोई एक्टिव रोल नहीं होता, रसारोहण में किस जीवित कोशिकाओं का कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं होता। इसके बाद हम अगर भौतिक सिद्धांतों की बात करें, तो भौतिक सिद्धांतों बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरी दी गई, लेकिन हम यहाँ पर कुछ मुख्य सिद्धांतों की चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा है रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर जो वर्ड है, एक साइंटिस्ट है स्टेपन हेल्स ने दिया था। इन्होंने बताया था कि जो रसारोहण होता है उसमें किसकी भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका रूट प्रेशर की होती है। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक गमला लिया, उसमें एक छोटा सा प्लांट लगा और प्लांट को इन्होंने यहाँ से क्या कर दिया, चाकू से काट दिया। तो यहाँ से क्या होती है, रस स्राव होता है। इन्होंने बताया था कि ये रस स्राव होता है वो किसके कारण होता है, रूट प्रेशर के कारण होता है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक मैनीमीटर लगा दिया। मैनीमीटर में क्या भरा होता है, पारा मरकरी भरी होती है। ये क्या लगाया, मैनीमीटर। तो इन्होंने पाया कि इन्होंने देखा कि जब इसके कारण रूट प्रेशर डेवलप होता है, रूट प्रेशर के लाने पर यहाँ पर प्रेशर 100 होता है, लेकिन जो ये प्रेशर होता है लगभग 2 atm के आसपास होता है। कितना होता है, 2 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, लेकिन प्लांट तो बहुत ऊंचे होते हैं, 100 meter ऊंचे होते हैं, 200 meter ऊंचे होते हैं, लगभग 500 feet भी ऊंचे होते हैं, तो उन पादपों में जो जो प्रेशर रिक्वायर होता है वो लगभग कितने होता है,
12 एटीएम के आसपास आवश्यक होता है। रसोवरण के लिए जो प्रेशर आवश्यक होता है वो कितना होता है, 12 वायुमंडलीय दाब के। तो ये जो थ्योरी होती है वो लगभग छोटे प्लांट्स जिनकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर है उनमें तक प्रूरूप होती है, लेकिन जो ऊंचे पादप होते हैं उनमें ये थ्योरी काम नहीं करती है। जो भौतिक सिद्धांतों की जो सेकंड थ्योरी वो है इम्बाइबेशन थ्योरी। इम्बाइबेशन अंत शोषण अंतः शोषण हमने पढ़ा था कि किसी भी जो सरफेस के द्वारा जो जल का शोषण होता है उसको हम क्या कहते हैं, अंतः शोषण कहते हैं। ये जो थ्योरी है वो एक साइंटिस्ट था अंगर, उसने दी थी। उसने बताया था कि जो वेजल्स होती है उसकी जो सतह होती है सरफेस होती है उसके द्वारा क्या होता है, अंतः शोषण होता है और वो अगली वाहिकाओं में पहुंचा देती है जल को। इस प्रकार क्या होता है, असेंटो शेप होता है। जो वेजल्स होती है या ट्रेकिड्स होती है उनकी क्या होती है, सरफेस द्वारा क्या होता है, अंतः शोषण होता है और उसके द्वारा क्या होता है, असेंट ऑफ शेप होता है। अनेक एक्सपेरिमेंट ये द्वारा ये सिद्ध किया कि जो वेजल्स होती है, जो वेजल्स और ट्रेकिड्स होती है उनकी सतह की, उनकी भित्ति की, वॉल की रसारोहण में कोई भूमिका नहीं होती है। जो रसारोहण में जो भूमिका होती है वो मेन किसकी होती है, इनकी गुहिकाओं की। जो ट्रेकिड्स और जो वेजल्स होती है उनकी गुहिकाओं की भूमिका होती है, न कि उनकी वॉल्स की। तो ये थ्योरी भी बाद में खारिज कर दी गई। इसके बाद तीसरा जो सिद्धांत आता है जो भौतिक बल सिद्धांतों को समर्थन करता है उसमें है वायुमंडलीय दाब थ्योरी। वायुमंडलीय दाब सिद्धांत इसको होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी। इस सिद्धांत को जिन वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया था उन्होंने बताया था कि जो रसारोहण होता है उसमें वायुमंडलीय दाब का महत्वपूर्ण रोल होता है। किसका रोल होता है, वायुमंडलीय दाब का रोल होता है। लेकिन इस पर जो ऑब्जेक्शन करने वाले वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया था कि जो वायुमंडलीय दाब होता है, वायुमंडलीय दाब के कारण लगभग 30-35 फीट ऊंचे पादपों में क्या हो सकता है, जल का रसारोहण हो सकता है। इससे ऊंचे पादपों में क्या होता है, रसारोहण संभव नहीं होता है। और दूसरा इन्होंने बताया कि जो वायुमंडलीय दाब होता है वो खुली सतह पर होता है। किस पर होता है, खुली सतह पर लगता है, जबकि जो वाहिकाएं होती है उनकी सतह क्या होती है, बंद होती है।
फिर चौथा सिद्धांत जो भौतिक बल सिद्धांतों को समर्थन करता है उसका नाम है कैपिलरी थ्योरी, केशिकत्व सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है, एक साइंटिस्ट था बोहम, उसने बताया था कि जो वेजल्स होती है वो वेजल्स करते हैं एक ऊपर एक व्यवस्थित होती है, ऐसे करके एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती है और क्या बना लेती है, कैपिलरी बना लेती है। और कैपिलरी फोर्स के कारण, किसके कारण, कैपिलरी फोर्स के कारण क्या होता है, रसन रोहन होता है। लेकिन जब हम जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं, तो उनमें क्या होती है, वेजल्स क्या होती है, अब्सेंट होती है। इसका जो, इस पर जो ऑब्जेक्शन करने वाले वैज्ञानिक, उन्होंने बताया था कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें तो वेजल्स अब्सेंट होती है, फिर उनमें रसारोहण कैसे होता है। दूसरा, इसमें मुक्त सतह की आवश्यकता होती है कैपिलरी फोर्स में, लेकिन मृदा में तो कोई मुक्त सतह होती नहीं है। तीसरा ऑब्जेक्शन था कि जो कैपिलरी फोर्स होता है उसका मान बहुत कम होता है, क्योंकि इनका डायमीटर लगभग कितना होता है, 0.03 mm होता है, जिसके कारण लगभग आप समझ सकते हो लगभग 1 meter टॉल प्लांट होता है, 1 meter टॉल प्लांट होता है, उनमें ही रसारोहण हो सकता है। लेकिन हम बात तो किसकी कर रहे हैं, ऊंचे पादपों की बात कर रहे हैं, लंबे पादपों की बात कर रहे हैं, तो उनमें रसारोहण कैसे संभव है। तो ये थ्योरी भी बाद में एक्सेप्ट नहीं की गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक और सिद्धांत है, कोहेशन थ्योरी, जो सबसे मान्य है, वो उसकी विस्तृत चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही।